लेकिन संजीव यही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूं, बैठकों का दौर चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कौन चर्चा से भाग रहा है, कौन चर्चा कराना चाहता है, ये तो आज का एक यक्ष प्रश्न बन गया है। जी हाँ, आप इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि आखिरकार चर्चा के जरिए कोई रास्ता निकलेगा क्या, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने खड़े होकर आज चौथे दिन संसद के मानसून सत्र को लगातार कवर कर रहा मैं और हमारे साथी रिपोर्टर्स नहीं कह सकते कि आज भी वो रास्ता निकलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष और दुविधा दोनों एक साथ देखी जा रही है। संघर्ष दोनों पक्षों का कि मणिपुर पर बहस हो जाए, और दुविधा ये कि जब दोनों यही चाहते हैं कि बहस हो जाए तो फिर बहस हो क्यों नहीं रही है, और नियमों के पेच में क्यों फंसाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि फला नियम के तहत विपक्ष चाहता है और फला नियम के तहत सरकार चाहती है, नियम 184 जिसके तहत चर्चा लंबी हो और उसके बाद वोटिंग हो लोकसभा में, विपक्ष की मांग ये है। सरकार कहती है कि नहीं नहीं, इसके अंदर चर्चा कराने की क्या ज़रूरत है। वहीं सत्ता पक्ष चाहता है कि राज्यसभा में 267 के तहत नहीं हो चर्चा, क्योंकि उसमें लंबी चर्चा हो जाती है और ऐसी चर्चा नहीं चाहिए। विपक्ष का आरोप है, वो चाहती है कि 163 के तहत चर्चा करा दिया जाए और उसके बाद छोटा सा चर्चा हो जाए। अब ये सोचिए, नियमों का जो ये एक मकर जाल बुना जा रहा है, इसमें जो मूल बात है वो दूर क्या नहीं हो जा रही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि देखिए, विपक्ष आज की तारीख में बहुमत उसके पास अगर नहीं है तो जाहिर है कि वो अगर ऐसी नियम में चर्चा कराता है जिसके आखिर में वोटिंग है, तो फिर उस वोटिंग का क्या मतलब होगा। सत्ता पक्ष के पास तो है ही ना नंबर्स, वो अंत में जो वोटिंग होगी वो जीतने की। तो जाहिर है कि ज़रूरी है चर्चा, लेकिन वो चर्चा नियमों में फंसा करके नहीं हो रही है। और क्या सचमुच में सत्ता पक्ष अगर इसे नहीं चाहता है, और तो क्या विपक्ष भी इसे चाहता है, या फिर सत्ता पक्ष अगर चाहता है नियमों शर्तों के साथ तो क्या विपक्ष भी शर्तों के साथ ही चाहता है। क्योंकि ऐसे में ये भी बात कही जा रही है कि जहां सरकार घिरती है वहीं पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने आप में घिरता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उसके कबड में भी स्केलेटन्स हो सकती हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। पूर्व में 1993-1997 की जो घटनाएँ हुई हैं उसी मणिपुर में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ नहीं थी, उस वक्त क्या हुआ था, क्या उसको भी कोर्ट किया जाएगा, ये तमाम ऐसी बातें हैं। क्या दूसरे राज्यों में हो रही घटनाएं, लेकिन मान लीजिए दूसरे राज्यों में घटनाएं हो भी रही हैं, तो मणिपुर की घटना का की अहमियत और उसकी संगीनता, जुर्म कैसे कम हो जाता है, क्या उसको चर्चा उस पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी है जो साफ तौर पर सरकार को घेरे में लेता है कि अगर एक बयान दे करके राहुल गांधी सदन से बाहर हो जाते हैं, एक बयान आसन पर जा करके जोर से कहने पर संजय सिंह बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर इसी लोकतंत्र में वो मुख्यमंत्री जो कि पिछले 80 दिनों से लगातार फेल करते चले जा रहे हैं, फेल फॉर फेल करते चले जा रहे हैं, स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, उन पर आरोप लग रहे हैं, उन्हें क्यों कायम रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें तो चुनाव के लिए बदली हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, तो ऐसे में क्या वजह है। और सत्ता पक्ष इस बात पर घिरती है तो क्या इस वजह से भी चर्चा नहीं हो पा रही है। बहरहाल बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा आज भी नहीं लगता है पूजा की चर्चा हो पाएगी, क्योंकि इसी तरह की बहुत हल्की बातें जो हैं वो सामने रख करके नारी की मर्यादा को संबद्ध रखने वाली ये चर्चा, हमारी माँ बहनों से जुड़ी हुई ये बातें जो हैं वो इतनी महत्वपूर्ण, और वो यहाँ पर चर्चा में नहीं आ सक रही हैं। आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स भी हैं, और देखिए एक एक करके निकल रहा है, बहुत कम दिनों का ये सत्र है और एक एक करके दिन निकल रहे हैं, 17 दिन बैठना है, चौथा दिन है। आज एक बिल भी आ रहा है, सहकारिता बिल, और भी दूसरे बिल हैं जिस पर कि विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष जो है वो इस बिल को ला करके हमारे अधिकार छीनती है, संघीय ढांचे के खिलाफ है ये बिल है। तो ये तमाम ऐसे बिल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और धीरे धीरे पास हो जाएंगे और वही हंगामे में सब कुछ होता चला जाएगा, लेकिन जो अहम विषय हैं उन पर बातचीत नहीं हो पाएगी। आज भी जो मिजाज लग रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, उसे इस बात की गुंजाइश कम है पूजा कि आज भी कोई चर्चा, सार्थक चर्चा सदन में हो पाएगी। बिल्कुल, और इस हंगामे के चलते कल भी 3 विधेयक पेश हुए हैं, और सरकार की तो रणनीति है कि अगर इस तरह से हंगामा रहा तो विधेयक पेश किए जाएंगे। और